देखिए शिक्षकों को जनवरी 2023 से इसका लाभ मिलेगा, ठीक है, एक अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला है जिससे आपका कुछ काम हो जाएगा दोस्तों। झारखंड शिक्षा परियोजना ने पत्र जारी कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बहुत इम्पोर्टेंट खबर लेकर आए हैं, पारा शिक्षकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। झारखंड सहायक अध्यापकों के लिए मानदेय में 4% बढ़ोतरी संबंधी झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा पत्र जारी किया गया है। सभी जिलों को पत्र लिखा गया है और जल्दी से जल्दी कुछ निर्णय लेने को कहा गया है ताकि 4% वार्षिक वृद्धि की दर से भुगतान किया जाए मानदेय। ठीक, निर्णय लेने के लिए दिशा निर्देश झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी किया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत पत्र जारी किया गया है। देखिए इसे हम बात करेंगे कि पारा शिक्षकों का मानदेय जो 4% बढ़ी है वो अभी तक नहीं मिला है और जब मिलेगा तो एरियर के साथ मिलेगा। इसके लिए काम होना शुरू हो गया है, इसके लिए बैठक करने का निर्देश जारी किया गया है, इसके लिए सेवा सत्यापन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। चलिए इसमें हम बात करेंगे झारखंड सहायक अध्यापकों के लिए 4% वार्षिक वृद्धि कैसे होगी, कब से मिलना है, इसमें एरियर की भी बात बताएंगे दोस्तों, है ना। मानदेय में 4% की जो वृद्धि होगी वो एरियर के साथ दिया जाएगा। जनवरी 2023 से इसका लाभ मिलेगा, है ना। जनवरी 2023 से जब लाभ मिलेगा तो आपको एरियर भी दिया जाएगा। तो जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024, मतलब जनवरी 2024 12 महीना हो गया, और फिर इधर मतलब कुल मिला के समझिए कि 21-22 महीना का एरियर भी मिलेगा, 21-22 महीना का एरियर भी मिलेगा, है ना। तो एक अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला है हमारे सहायक अध्यापक बंधुओं को, तो उससे कुछ काम भी हो जाएगा। इसके लिए प्राधिकार का बैठक जल्द होगा, है ना, अनुशासनिक एवं प्रशासनिक प्राधिकार का बैठक होना जरूरी है। इसके लिए कुछ नियम वगैरह जारी किया गया, पत्र जारी किया गया, तो हम तो पत्र नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम पहले वाले वीडियो में दिखा चुके हैं। इसमें हम दिखाएंगे आपको कि 4% वार्षिक वृद्धि जो मिलने वाला है वो आपको कब से मिलेगा, तो जनवरी 2023 से मिलेगा। इसका लाभ दिया जाएगा जनवरी 2023 से। इसके लिए सेवा सत्यापन की प्रक्रिया चालू हो गया है, है ना। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए दिशा निर्देश आया है, झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है सभी जिलों को। उस दिशा निर्देश के तहत ही काम करना है, उस दिशा निर्देश के तहत ही बैठक करना है, उस दिशा निर्देश के तहत ही प्राधिकार का जल्द से जल्द बैठक करना है। यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा, ऐसी खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए शहरी क्षेत्रों के पारा शिक्षक, यहाँ है शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षक, मतलब ग्रामीण इलाका का नहीं, शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों के मानदेय में 4% की बढ़ोतरी मिलेगा। एरियर उन्हें 4% बढ़ा है ना, वो एरियर के साथ दिया जाएगा। एरियर जनवरी 2024, एरियर जनवरी 2023 से दिया जाएगा। अभी अक्टूबर चल रहा है 10वां महीना, तो उधर 12 महीना और इधर 10 महीना, मतलब कुल मिलाकर बोल सकते हैं 22 महीना का एरियर दिया जाएगा आपको, ठीक है, एक अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला है जिससे आपका कुछ काम हो जाएगा दोस्तों। चलिए 4% एरियर के साथ किन्हें दिया जाएगा, शहरी क्षेत्र के पारा शिक्षकों का मानदेय, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, शहरी क्षेत्र के स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षक के मानदेय में 4% की वृद्धि की गई, 4% की वृद्धि की गई। झारखंड शिक्षा परियोजना ने पत्र जारी कर दिया है, इसका पत्र जारी हो चुका है। इसके पहले वाले वीडियो में आप पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसमें झारखंड सेवा शर्त नियमावली 2021 को कुछ संशोधन किया गया है, उसमें संशोधन करके इस पॉइंट को डाला गया है, है ना, क्योंकि कुछ स्पष्ट नहीं था जिसके कारण जो बढ़ा हुआ मानदेय नहीं भुगतान हो रहा था, तो संशोधन किया गया है और इसलिए उस संशोधित प्रक्रिया को कहा गया है झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2024, मतलब संशोधन होने के बाद 2024 नाम रखा गया है, झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2024, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों, देखिए शिक्षकों को जनवरी 2023 से इसका लाभ मिलेगा, पारा शिक्षकों का लाभ 2023 से मिलेगा, मतलब एरियर मिलेगा। मानदेय बढ़ोतरी की राशि एरियर जोड़कर दी जाएगी, जो मानदेय बढ़ोतरी की राशि होगी ना वो एरियर के साथ दिया जाएगा। पत्र में कहा गया कि राज्य के शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत वैसे पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो गया है, शैक्षणिक मतलब हुआ जो आपका एकेडमिक है, जैसे मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, स्नातक हो गया, है ना, उसके अलावा और आपके पास डिग्री होगा, सो ये शैक्षणिक कहलाएगा। प्रशैक्षणिक मतलब हुआ जैसे DP हो गया, है ना, जो टीचर ट्रेनिंग है वो हो गया, तो दोनों का सत्यापन हो गया है, मतलब शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो गया है,
उनकी सेवा संतोषजनक होने का सत्यापन जल्द कराने को कहा गया है ताकि उन्हें भुगतान किया जाए, उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाए, उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय का भुगतान किया जाए, उन्हें एरियर का भी भुगतान किया जाए। तो जल्द उनकी सेवा संतोषजनक होने का सत्यापन कराने को कहा गया है सभी जिला को, समझ गए ना, सभी जिला को सत्यापन कराने का कहा गया है राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा। अब देखिए, शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का सेवा सत्यापन नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत के प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की जाएगी। देखिए, जो शहरी क्षेत्र में आते हैं, जो सहायक अध्यापक शहरी क्षेत्र में आते हैं, उनका सेवा सत्यापन नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायत, मतलब तीनों में से एक, इससे बड़े शहर में आप रहते होंगे, बड़े शहर में शिक्षक का कार्य कर रहे होंगे तो वहाँ नगर निगम होगा, फिर है उसी तरह से नगर परिषद है तथा नगर पंचायत है ना, तो इन क्षेत्रों के प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की जाएगी। अब देखिए, जो पास प्रशासनिक सह अनुशासनिक प्राधिकार का जो सदस्य है, अध्यक्ष है, कौन है, तो इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें जो पत्र जारी किया गया उसमें स्पष्ट है कि नगर निगम के सदस्य कौन है, मतलब अनुशासनिक सह प्रशासनिक प्राधिकार का सदस्य कौन है, फिर अनुशासनिक सह प्रशासनिक प्राधिकार के अध्यक्ष कौन है, उसी तरह से नगर परिषद, उसी तरह से नगर पंचायत, इस सब को वहां पर अच्छा से सजाया गया है, आप वहां से जल्द देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ कहता है दोस्तों कि इसके लिए प्राधिकार की बैठक जल्द करने को कहा गया है ना, बैठक जल्द करने को कहा गया है ताकि मानदेय का भुगतान जल्दी हो सके, जो मानदेय रुका हुआ है वो मिल सके, जो 4% बढ़ोतरी हुआ है वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, मतलब कुल मिला के बोल सकते हैं कि 4% बढ़ोतरी जो हुआ है उसका जो रास्ता रुकावट था वो साफ हो गया है, मतलब जल्द मिलेगा, है ना, सेवा सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गया है और जल्द से जल्द आपको बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा और एरियर के साथ दिया जाएगा। एरियर कब से मिलेगा दोस्तों? जनवरी 2023 से, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि हम आपको अच्छा से समझा सके हैं, तो ऐसे खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर हमेशा विजिट करते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, थैंक यू।